जी नमस्कार, आज हम इस चक्की का रिव्यू करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इसका जानकारी देंगे, इसको कैसे चलाना है, क्या इसका मेंटेनेंस है। ये जानने वाली चक्की है, मॉडल है 2020। तो आइए अभी इसको थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। अभी सबसे पहले जो मुझे ये क्रॉस और ये गेयर बॉक्स, ये गेयर बॉक्स है, ये गेयर बॉक्स जो स्पेशली डिज़ाइन किया है, ये उन्हीं ट्रैक्टरों पे चलेगा जो है 540 RPM है जिनके, और ऐसा जो है जिनका लॉक है 6 जीरी वाला PTO। ये गेयर बॉक्स स्पेशल उनके लिए है, ये चक्की वाला, जिन ट्रैक्टरों के 540 RPM है, ठीक है, और ऐसा जिनका PTO है। और अगर जिनके 1000 RPM वाला लगाना है तो उस हिसाब से भी गेयर बॉक्स हम लगा देते हैं, पर ज़्यादातर आजकल ऐसे ही आ रहे हैं तो उस हिसाब से ये बनाई हुई है और ये उन्हीं पे चलेगी। अगर 1000 RPM वाला लगाना है तो उस हिसाब से हम गेयर बॉक्स लगा देते हैं। और ये पार्ट 32.5 इंच वाला, ये कीप, यहाँ में गेहूँ डलता है, ये हैंडल है ऊपर नीचे करने के लिए, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे गेहूँ आएगा यहाँ से, और यहाँ से गेहूँ पीस के आएगा आटा, यहाँ से गेहूँ पीस के आएगा। ये बेल्ट नंबर B61 ए वाला, और ये बेल्ट नंबर C73 ए वाला, बड़ी बेल्ट है C73। ये हब हैं, ये हब और ये ऊपर वाली हब। गेयर बॉक्स आ गया, यहाँ अपने सील डालना है समय समय पर, इस नट को खोल के, जो जी वाला नट है इसको खोल के सील डालना है जब आपको कम लगे, और इसको ऊपर करके यहाँ पे भी अपने सील डालना है जब आपको कम लगे। ये हैंडल, इसको ऊपर करेंगे तो पत्थर चलेगा चक्की, इसको नीचे करेंगे तो चक्की फ्री हो जाएगा, पत्थर नीचे आ जाएगा। ये बारीक और पतला करने के लिए, बारीक और मोटा, इसको ऐसे करेंगे तो पत्थर ऊपर हो जाएगा, जो आटा है वो मोटा बारीक हो जाएगा, और इसको ऐसे घुमाएंगे पत्थर नीचे हो जाएगा, आटा जो है वो मोटा पीसेगा। यहाँ पे आपने समय समय पर ग्रीस करते रहना है, ये रहा, ताकि एक्सल को कोई नुकसान ना हो, बैरिंग गर्म ना हो। इस नट को खोल के भी आपने ग्रीस करते रहना है समय समय पर, ताकि ये भी ख़राब ना हो और इसको भी, ये जहाँ है ठीक, इसको भी समय समय पर ग्रीस करते और ये चलाने के लिए ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। अभी इसको ऐसे करेंगे तो झरना चलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो केवल चक्की चलेगा, ठीक। यहाँ से गेहूँ पिस के आएगा, सॉरी, यहाँ से गेहूँ की सफाई होके आएगी, झरने में गेहूँ आएगा सफाई होके, यहाँ गेहूँ डालेंगे सफाई के लिए। फिर यहाँ से गंदगी आएगी बाहर, रेता धूल मिट्टी वगैरह जो साफ करेगा झरना। एक टूल बॉक्स है थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, यहाँ पे भी अपने ग्रीस करते रहना समय समय पर, और यहाँ पे भी, यहाँ पे इसमें ग्रीस करना है, उसमें सील डालना है, इस नट को खोल के ग्रीस कर देना और यहाँ सील डालना है। और गेयर बॉक्स आपको दिखा दिया था, एक कांटे के लिए तोलने के लिए ऐसा हो जाएगा, कांटा तोलने के लिए वापस इसको ऐसा रख देते हैं, बस यही है। इसमें बताया है कैसे, थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ ग्रीस होती है, कहाँ कहाँ सील डलता है, और समय समय पर उसको आपने जो चेक है वो करते रहना है। ये थी चक्की न्यू किसान कंपनी की जी।